नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। हालांकि कांग्रेस यही नहीं रुकने वाली है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही पार्टी देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो जारी किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो हुआ जारी। 26 जनवरी से शुरू होगा अभियान। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर करेंगे प्रचार। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। हालांकि कांग्रेस यही नहीं रुकने वाली है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही पार्टी देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो जारी किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट भी जारी की है, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की गई है। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन 26 जनवरी से शुरू होगा और 26 मार्च तक चलेगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार करेंगे और 6 लाख गांवों और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के 10 लाख मतदान केंद्रों के हर घर तक पहुंचेंगे। यहां वह राहुल गांधी का पत्र लोगों को सौंपेंगे। इस अभियान के दौरान पार्टी आम जनता से जुड़ने की कोशिश करेगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पत्र के साथ भाजपा सरकार की विफलताओं की एक चार्जशीट को हर घर में बांटा जाएगा। इस अभियान का मकसद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा पैदा करना भी होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस का सबसे बड़ा अभियान है। अभियान के दौरान कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी क्षेत्र के मतदाताओं के घर घर जाकर उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं और कांग्रेस की विचारधारा से अवगत कराया जाएगा। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो संदेश आम लोगों को दिया गया है, उसे अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत घर घर पहुंचाया जाएगा। बता दें कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश होते हुए भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है और 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ समाप्त होगी। हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो